नमस्कार, कमोडिटी वीकली ओवरव्यू में आपका स्वागत है। अगर हम कमोडिटी मार्केट की बात करें, पिछले एक हफ्ते के अंदर मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम रहा, जहां हमने एमसीएक्स बोल्डेक्स में 3% की तेजी देखी, मेटल इंडेक्स में 2.5% की तेजी देखी, वहीं एनर्जी पैक के अंदर हमने गिरावट बनते हुए देखी। डेटा पॉइंट भी काफी ज्यादा थे, जिसकी वजह से हमने मार्केट में मोमेंटम भी बढ़ते हुए देखा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो 1990 के बाद के हाईएस्ट लेवल पे हम पहुंचते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर में भी तेजी आई और सोने और चांदी दोनों में भी तेजी बनते हुए देखी। पिछले हफ्ते के परफॉर्मेंस की बात करें तो सोने में करीबन हमने 3.25% की तेजी देखी है, वहीं चांदी में 4.25% से ज्यादा की तेजी देखी है। हिस्टोरिकली देखा जाता है कि नवंबर महीना एक्सपायरी से पहले कहीं ना कहीं दबाव में रहता है, बट जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में तेजी बनी है और कंसर्न जो इन्फ्लेशन को लेकर बनी है, ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट करता है। अगला महीना थोड़ा सुस्त रहता है, ज्यादा करके हम ईयर एंडिंग की वजह से, बट ओवरऑल हमें लगता है मार्केट ने एक तरह से नया पीक बना चुका है। थोड़ा टेक्निकल पुलबैक मिल सकता है, जहां पे हम अगले हफ्ते देखते हैं कि गोल्ड के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है तो कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, 48,400 से 500, उस रेंज पे ही हमें बाय करके चलना है। अपसाइड है बट लिमिटेड दिखाई दे रहा है एज ऑफ नाउ, बिकॉज इंटरनेशनल में हमने $1,870 और 25-20 का लेवल चांदी में भी बनते हुए देख चुके हैं। तो एज ऑफ नाउ ट्रेंड पॉजिटिव है, शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। गोल्ड में हमें लगता है कि 48,300-400 के करीब गोल्ड में लेके चलना चाहिए, जबकि हायर साइड पे 49,850 तक का इमीडिएट रेजिस्टेंट है। 50,000 का लेवल तोड़ना एज ऑफ नाउ थोड़ा मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो चांदी में भी हमने एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी। इनफैक्ट 64,000 से हमने 67,400 का लेवल बनते हुए देखा। एक पुलबैक जरूर मार्केट में दिखाई देता है, जो मे बी पॉसिबल कि 65,500 से 66,000 का रहेगा। 66,000 के करीब मिलने पे हम लेके चल सकते हैं। जो हायर साइड पे हमें लगता है 68,500 से लेकर 69,000 तक का लेवल दिखा दे। देखिए, लॉन्ग टर्म सोने और चांदी के लिए अभी भी अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट में एक पुलबैक बनता है, उस पुलबैक पे ही लेके चलिए अगले हफ्ते के लिए। एनर्जी कॉम्प्लेक्स में हायर लेवल पे कंटिन्यू दबाव बना हुआ है, जब तक प्राइजेस 6,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है प्राइजेस दबाव में रहेगा। पर ध्यान रखिए 5920 का लेवल तोड़ने पे ही हम एक फ्री फॉल देख पाएंगे, जिस ढंग से हमने देखा ओपेक के बाद हमने बाकी सभी इकोनॉमी में कंसर्न जताते हुए देखा है कि जितना भी इन्फ्लेशन बढ़ा है वो एनर्जी को देखते हुए बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं क्रूड एक दायरे में रहेगा, बट ध्यान रखिए 5920 या 5900 का लेवल तोड़ता है तो 150-200 पॉइंट की बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। अदरवाइज प्राइजेस 6,000 से लेकर 6,300 की रेंज में ही रहेगा। ओवरऑल सेल ऑन रैली रखे चलिए। वहीं नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस के अंदर भी हमने करीबन 13% की भारी गिरावट आती हुई देखी। मोटा मोटी अगर हम देखें तो दबाव कंटिन्यू रह सकता है। टेक्निकली 350 का इमीडिएट सपोर्ट था, टेक्निकल ओवरबैक टेक्निकली हम फ्रेश सेलिंग देख रहे हैं, थोड़ा बहुत बाउंस कर सकता है 375 के करीब, वहां पे फिर से बेच के चलिए 340-350 तक का लेवल मिल सकता है, क्योंकि जो सप्लाई शॉर्ट की वजह से मार्केट में तेजी आई थी अब वो कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रशिया ने भी अपनी सप्लाई बढ़ाई है, जिसके चलते प्राइजेस में दबाव बढ़ सकता है अगले हफ्ते भी। वहीं पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो अच्छी खासी तेजी हमने पूरे बेस मेटल पैक में आते हुए देखी। एल्यूमिनियम ने 4.5% की रैली आते हुए दिखाई, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। ओवरऑल बेस मेटल में तेजी दिखाई देती है, बिकॉज चाइना मार्केट में हमने देखा आउटपुट कटौती कंटिन्यू रहेगी जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगी, बट दैट डजंट मीन्स के जो हमने ऑलरेडी हाई लगते हुए देखे उसको तोड़ दे, क्योंकि कहीं ना कहीं हायर रॉ मेटल प्राइजेस की वजह से इकोनॉमी में चिंता बनी हुई है। कॉपर एज ऑफ नाउ हमें लगता है 730 के ऊपर काउंटर स्ट्रॉन्ग है, जो 756 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं जिंक के अंदर भी 285-286 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। निकल पे ध्यान रखिए, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है, आयरन ओर के भाव में कमी आने के बाद तेजी बन रही है वापस, जो 1580 तक का लेवल निकल में देखने मिल जाएगा। एल्यूमिनियम में बड़ी रैली हो चुकी है, एक पुलबैक अगर मिलता है करीबन 210-12 के करीब लेके चलिए, 218 के टारगेट के लिए। वहीं लैंड में भी हमें लगता है तेजी कायम रहेगी, जो 194 से 195 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो इन ऑल पूरे बेस मेटल में तेजी का रुख कंटिन्यू बना हुआ रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।